हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. दिस इज अनिल के शर्मा और आज हम यूनिक्स या लाइनेक्स में कॉम कमांड का प्रैक्टिकल डेमो देखेंगे. बट उससे पहले आइए समझते हैं कि कॉम कमांड का क्या यूज़ है. तो कॉम कमांड जो है, कॉम कमांड स्टैंड्स फॉर कॉमन कमांड. तो जो कॉम है, कॉम का मतलब है कॉमन. तो कॉम कमांड का मतलब है कॉमन कमांड. इट रिक्वायर्स टू शॉर्टेड फाइल्स. जब हम कॉम कमांड को यूज करते हैं तो कॉम कमांड के साथ हमें दो शॉर्टेड फाइल्स देनी होती है. और इसके बाद क्या करता है ये, लिस्ट डिफरिंग एंट्रीज इन डिफरेंट कॉलम्स. फिर ये क्या करता है, दो शॉर्टेड फाइल्स को कंपेयर करके तीन कॉलम्स बनाता है और उन तीनों कॉलम्स में अलग-अलग आउटपुट देता है. तो कैसे, नीचे समझते हैं. व्हेन यू रन कॉम, जब आप कॉम कमांड को एग्जीक्यूट करते हो तो इट डिस्प्लेस थ्री कॉलम आउटपुट. तो ये क्या करता है, तीन कॉलम आउटपुट डिस्प्ले करता है, मतलब तीन कॉलम में रिजल्ट को शो करता है. द फर्स्ट कॉलम जो है, द फर्स्ट कॉलम कंटेन्स लाइंस यूनिक टू द फर्स्ट फाइल. जो फर्स्ट कॉलम है वो कंटेन करता है वो लाइंस जो आपके फर्स्ट फाइल में यूनिक लाइंस है. एंड द सेकेंड कॉलम, और सेकेंड कॉलम जो है वो कंटेन करता है या फिर शो करता है लाइंस यूनिक टू द सेकेंड फाइल. और दूसरे फाइल में यूनिक लाइंस क्या है उसको ये शो करता है. और थर्ड कॉलम जो है वो डिस्प्ले करता है लाइंस कॉमन टू बोथ फाइल्स. तो क्या समझ में आया, कॉम कमांड का मतलब है कॉमन कमांड, ठीक है. और जब हम कॉम कमांड को यूज करते हैं तो इसके साथ दो फाइल का नाम देना होता है और याद रहे कि वो दोनों ही फाइल शॉर्टेड फॉर्म में होनी चाहिए. तो फाइल को शॉर्ट कैसे करते हैं, कोई भी हम फाइल बनाते हैं तो SORT, मतलब यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जा करके हमें टाइप करना होता है SORT शॉर्ट, और उस फाइल का नाम देते हैं और एंटर प्रेस करते हैं तो वो फाइल शॉर्ट हो जाती है. शॉर्ट का मतलब, मान लीजिए एक फाइल है और उसमें आपने जो है राम लिख दिया और अनिल लिख दिया, ठीक है. और उसको जब हम शॉर्ट करेंगे तो राम पहले लिखा हुआ है, अनिल बाद में लिखा हुआ है उस फाइल में. तो कैरेक्टर ABCD में ए पहले आता है तो अनिल ऊपर हो जाएगा और राम नीचे हो जाएगा, तो वो फाइल शॉर्ट हो गई. यानी कि अनिल ऊपर आएगा, राम नीचे आएगा, तो वो फाइल शॉर्ट हो गई. तो इस तरीके से शॉर्ट की हुई दो फाइल्स होनी चाहिए. तो जब आप कॉमन कमांड चलाते हो तो उसके साथ दो फाइल्स का नाम देते हैं और वो दोनों ही फाइल आपकी शॉर्टेड फाइल होनी चाहिए. और दोनों ही फाइल जब शॉर्टेड फाइल होती है और उसके बाद रख करके कॉम कमांड के साथ दो शॉर्टेड फाइल को रख करके जब हम एंटर प्रेस करते हैं तो ये रिजल्ट को थ्री कॉलम्स में प्रेजेंट करता है. पहले कॉलम में ये बताता है कि पहली फाइल का जो कंटेंट है, पहली फाइल का जो टेक्स्ट है, पहली फाइल में जो चीज़ आपने लिखा है वो चीज़ दूसरी फाइल से अगर यूनिक है, मैच नहीं करता है, तो वो चीज़ जो है पहले कॉलम में डाल देगा. और दूसरी फाइल में कोई चीज़ है वो पहले फाइल से अगर मैच नहीं करती है तो उसको दूसरे कॉलम में डाल देगा. और दोनों फाइल में जो चीज़ मैच करती है उसको तीसरे कॉलम में डाल देगा. तो इसको हम कैसे करेंगे, अपने यूनिक्स या लाइनेक्स कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे जहाँ पे ये डॉलर का साइन होता है और वहाँ हम अपने कमांड का नाम टाइप करेंगे. तो हमारे कमांड का जो नाम है वो है COMM, कॉम.
और इसके बाद हम एक सॉर्टेड फाइल वन देंगे और फिर सॉर्टेड फाइल दूसरा रखेंगे और इसके बाद एंटर प्रेस करेंगे। तो एंटर प्रेस करेंगे तो ये तीन कॉलम्स बना करके अलग अलग रिजल्ट को ये डिस्प्ले कराएगा। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल डेमो करके देखते हैं तो ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो हमारा है ये लाइनेक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम है और रेड हैट एंटरप्राइज लाइनेक्स 6 का यहाँ पे वर्जन है। तो अब जो है सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमारे करंट डायरेक्टरी में कौन कौन सी फाइल्स है, यानी कि जब हम फर्स्ट टाइम यूनिक्स या लाइनेक्स पर लॉग इन करते हैं तो हम किसी ना किसी करंट डायरेक्टरी में आ जाते हैं। तो अभी हम अपने करंट डायरेक्टरी में है और करंट डायरेक्टरी कौन सी है ये जानने के लिए PWD कमांड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो /home/anil ये जो है ये मेरा करंट डायरेक्टरी है, इसमें चेक कर लेते हैं कि कौन कौन सी फाइल्स है। तो ls कमांड से हम चेक करते हैं तो ये सारी फाइल है और यहाँ पे मैंने दो फाइल ऑलरेडी सॉर्ट कर रखी है, सॉर्टेड फाइल वन सॉर्टेड फाइल टू। एक बार हम इसके टेक्स्ट को चेक कर लेते हैं कि सॉर्टेड फाइल वन में क्या टाइप किया हुआ है। तो हम टाइप करेंगे CAT और इसके बाद SORTED सॉर्टेड फाइल वन। तो कैट कमांड यहाँ पे क्या करेगा, सॉर्टेड फाइल वन में क्या टेक्स्ट टाइप किया हुआ है आपने वो डिस्प्ले कराएगा। तो ये एंटर प्रेस कर दिया तो सॉर्टेड फाइल वन में अनिल चंचल दिनेश ये सॉर्टेड है क्योंकि ABCD में ए पहले आता है, उसके बाद सी आता है और उसके बाद डी आता है। तो इसका मतलब ये फाइल ऑलरेडी सॉर्टेड है। दूसरी फाइल है हमारे पास सॉर्टेड फाइल टू, इसको भी चेक कर लेते हैं कि इसमें क्या टाइप किया हुआ है। तो सॉर्टेड फाइल टू एंटर, तो इसमें लिखा हुआ है अनिल चंदर और दिनेश। तो अब जब हम सॉर्टेड फाइल वन और सॉर्टेड फाइल टू को जब हम कॉमन कमांड के साथ कंपेयर करेंगे तो पहली फाइल में जो है वो अनिल है और दूसरी फाइल में भी अनिल है। तो ये दोनों कॉमन नेम है, पहली फाइल में चंचल है और दूसरी फाइल में चंचल नहीं है। तो ये क्या करेगा, फर्स्ट कॉलम में दिखाएगा चंचल, यानी कि चंचल जो है वो यूनिक लाइन है फर्स्ट फाइल में जो कि दूसरे फाइल में नहीं है। और फिर एक दूसरा कॉलम जो है ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है, दूसरे कॉलम में बताएगा कि जो चंदर है दूसरे फाइल में, जो चंदर है दूसरे सॉर्टेड फाइल में, जो चंदर लिखा हुआ है वो पहले फाइल में नहीं है। तो चंदर ये दूसरे फाइल की यूनिक लाइन है, इसको दूसरे कॉलम में रखेगा। और तीसरे कॉलम में जो है अनिल पहले फाइल में भी है, अनिल दूसरे फाइल में भी है, तो अनिल कॉमन नेम है। और दिनेश पहले फाइल में भी है, दिनेश दूसरे फाइल में भी है, तो ये भी एक कॉमन है। तो थर्ड थर्ड कॉलम में क्या करेगा, दोनों फाइल की कॉमन लाइंस को उठा करके रखेगा, यानी कि अनिल और दिनेश ये दो लाइन कॉमन है दोनों फाइल में, तो इन दोनों को उठा करके थर्ड कॉलम में रखेगा। तो चलिए इसका डेमो करते हैं। तो हम टाइप करेंगे COMMM और फाइल का नाम है सॉर्टेड फाइल वन स्पेस सॉर्टेड फाइल टू और एंटर प्रेस करेंगे। तो ये तीन कॉलम बना दी। पहला जो कॉलम है उसमें बता रहा है चंचल, तो फर्स्ट फाइल में सॉर्टेड फाइल वन में चंचल जो है वो एक यूनिक लाइन है, चंचल वर्ड जो है ये दूसरे फाइल में नहीं है, तो इसलिए इसने फर्स्ट कॉलम में डाल दिया। चंदर दूसरी फाइल में है, चंदर पहली फाइल में नहीं है, तो ये भी दूसरी फाइल की यूनिक लाइन है, तो दूसरे कॉलम में चंदर को डाल दिया। और तीसरा जो है कॉलम उसमें क्या है, अनिल अनिल दोनों फाइल में है और दिनेश दिनेश दोनों फाइल में है, तो ये दोनों लाइन कॉमन है दोनों फाइल में,
तो इसलिए इसने थर्ड कॉलम में अनिल और दिनेश को डिस्प्ले करा रहा है। तो ये था कॉम कमांड का यूज, इसको क्लियर कर लेते हैं। ये मैंने क्लियर कर दिया। तो इस तरीके से हमने देखा कि कॉमन कमांड को हम कैसे यूज करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।